स्वागत है मित्रों। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के द्वारा जो कराया जाता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उसकी हम बात कर रहे हैं मित्रों, कि कैसे आप यूपीएससी का ये जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करें और कैसे आप बनेंगे आईएएस। जी हाँ, आप बन सकते हैं आईएएस, मगर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, खेल में जीतने के लिए आपको खेल के नियमों को दूसरों से बेहतर समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मित्रों कि आप जो है खेल के नियमों को समझें, यूपीएससी को समझें, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को समझें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे पोस्ट कौन कौन सी यूपीएससी ऑफर करती है, ग्रेड ए क्या है, ग्रेड बी क्या है, सर्विस एलोकेशन देख लिया था, और आज हमें बात करनी थी सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है? यूजुअली जो होता है, नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाता है, फरवरी नहीं अभी दिसंबर में, ये थोड़ा रिसेंट ट्रेंड बदल चुका है। तो जैसे ही यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके कुछ दिनों के बाद ही मेंस के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट वो होता है नोटिफिकेशन, वो आ जाता है। उसके बाद मई, अब ये हो गया है कि 31 जून को जैसे है, पिछले बार 3 जून को था, तो इस बार 31 जून को आपका जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है मित्रों। तो इसके बाद जो होता है, जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप बैठते हैं मेंस एग्ज़ाम में। जो ये जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है मित्रों, और ये जो एग्ज़ाम है ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव में आपके पास दो पेपर होंगे, सी सैट और GS1, और यहाँ आपके जो क्वेश्चन होंगे ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, जिसपे आपको जो है आंसर लिखने होंगे, जो वर्ड लिमिट है और कैसे आप आंसर अच्छे लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे मित्रों। उस वीडियो को देखिएगा पूरा मित्रों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, ताकि आपको ये वीडियोस मिलते रहें। तो इसके बाद क्या होता है मित्रों, इंटरव्यू का जो सेशन होता है, जब आप प्री मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एक इंटरव्यू का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है मित्रों। ये आपकी नॉलेज को देखने के लिए नहीं होता है, नॉलेज आपकी देखो, प्री का दो पेपर, जीएस के चार पेपर, ऑप्शनल के दो पेपर, और इतने एग्ज़ाम के बाद आप अगर मेंस पहुँचे हैं, तो आपका जो है आपके पास नॉलेज है, ये यूपीएससी को पता होता है। तो इसीलिए जो इंटरव्यू आपका होता है, ये टोटली पर्सनैलिटी बेस्ड होता है। तो ये जो आप यूट्यूब पे देखते रहते होंगे कि लोग कहते हैं कि आपसे क्वेश्चन में इंटरव्यू में ये पूछा कि आपकी शर्ट के बटन कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, यूपीएससी ऐसे सवाल यूजुअली नहीं पूछता, वो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट लेता है। और वो टेस्ट है आपकी, कैसे आप सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में आप कैसे एक जिले को आप संभालेंगे, उसका टेस्ट होता है मित्रों। तो उसके बाद जो होता है दोस्तों, मई में यूजुअली जो है रिजल्ट आ जाते हैं, और आप क्या बनते हैं आईएएस। जैसे इस बार मई की जगह अभी रिजल्ट कब आया था, फरवरी में, और फरवरी में क्या बने थे, आईएएस। इसके अलावा क्या बने थे, आईएफएस, आईआरएस, जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये सभी एक साथ एलोकेट हुई थी, और लोग बने थे आईएएस, आईआरएस, आईएफएस। यूपीएससी का जो मिथक लोगों ने पाल रखा है कि केवल आईएएस बनते हैं, वो गलत है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं आप एलिजिबल कब होंगे, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी क्या हैं, और कैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है, नियमों को जानना ज़रूरी है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए देख लेते हैं मित्रों, सबसे पहले आपको किसी भी रिकॉग्नाइज डिग्री कॉलेज से आपको जो है डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड। डिग्री का अर्थ क्या है, बीए, बीकॉम, बीएससी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए मित्रों। तो ग्रेजुएट के बाद 21 साल इसकी मिनिमम एज है, 30 साल तक जनरल कैटेगरी वाला, आप 4 अटेम्प्ट की जगह आपके 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। ओबीसी का जो है मित्रों, ओबीसी के लिए जो है वही ग्रेजुएशन होना सबके लिए कंपलसरी है, 21 से यहाँ एज बढ़ जाती है 33 साल, और यहाँ 7 अटेम्प्ट हैं। और वहीं एसटीएससी के लिए देख लीजिए, वही डिग्री तो होना सबके लिए अनिवार्य है, 21 से 35 साल इनकी उम्र है, और 35 साल तक ये अटेम्प्ट दे सकते हैं। अटेम्प्ट की ऐसी कोई संख्या अभी तक फिक्स नहीं है। देखिए, कैंडिडेट इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। तो मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन के ईयर में अगर फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यूपीएससी का कितना सही रूल है, कि अगर आप ग्रेजुएशन से सही तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आके ही आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें। और आपको देखिए, आपको
ज्ञान आपको ज़्यादा नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए प्रतिबद्धता, इस एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, इसके लिए आपको चाहिए अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए आपको चाहिए एश्योरिटी, जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी है एश्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड परसिस्टेंसी। तो ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए मित्रों। अब इसके अलावा आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो पीएच फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं उनको भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है मित्रों वो डिग्री पाना अनिवार्य है। 21 से 40 साल की उम्र इनके पास होगी और 7 अटेम्प्ट इनके पास होगा अगर ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और बाकी जो भी अन्य कैटेगरी हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यूपीएससी के नियमों के अंतर्गत इसका निर्धारण होगा। इसके ऊपर रिजर्वेशन कोटा गया है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा मित्रों, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो देखिए मित्रों, एक्स सर्विसमैन के अगर आप बेटे हैं तो आपको डिग्री होना तो देखिए सभी में अनिवार्य है, जम्मू कश्मीर के हों तो आपको डिग्री होना सब में, 21 से 35, 21 से 35 दोनों में ही एज देखिए बराबर है। एज पर द रूल्स कैटेगरी बिलोंग टू, देखिए आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंगली बिलोंग करेंगे। इसमें क्या होगा मित्रों, इसमें ये होगा कि ये देखिए आपको ये कोटा जो है डिपेंड करेगा, आप अगर पीएच प्लस एक्स सर्विसमैन प्लस जम्मू कश्मीर से हैं तो आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे वो थोड़ा सा आगे पीछे फ्लक्चुएट करेंगे एज पर द रूल्स ऑफ यूपीएससी। अगली वीडियो में हम यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताएंगे कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम के जो नियम हैं वो यूपीएससी ने क्या क्लियरली अपनी गाइडलाइन में मेंशन किया गया है, और क्या है कॉमनली इग्नोर्ड चीज़ें जो हैं जो यूपीएससी एस्पायरेंट जो है यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, और जो कारण बनता है 10 लाख में से केवल 1,000 आईएएस का, सॉरी दोस्तों, आईएएस का चुनने का जो कारण बनता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं मित्रों। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यू एक आईएएस की ड्यूटीज़ हैं, क्या एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी हैं, क्या हैं ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर की, क्या प्रीलिम्स का पैटर्न है जो मैं आपसे बोल रहा था देखिए, ठीक है नहीं, किस तरीके से प्रीलिम्स की मार्किंग है, क्या प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्या सिलेबाई है आपका मेंस एग्जामिनेशन का, क्या मेंस एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न है क्या है, कितने एग्रीकल्चर और क्या क्या आप एज अ ऑप्शनल रखते हैं इंटरव्यू के लिए, क्या आपको टिप्स लेनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, हम एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे, क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे, कोचिंग्स में क्या क्या होगा, और क्या हमारा 5 लेवल प्रोग्राम है वो भी आपको मैं बताऊंगा, कि मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट का कैसे यूज़ किया जाए, उसका रिव्यू कैसे किया जाए, और कैसे क्लासरूम और कोचिंग और जीएस का मटेरियल आपको करना है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको जीएस के लिए क्या किताबें होंगी, क्या आपको जीएस की एप्टीट्यूड रीजनिंग की किताबें होंगी, प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच होगी, कैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, स्ट्रेटेजीज इंग्लिश पेपर के लिए क्या आपकी होनी चाहिए, क्या ऐसे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जनरल स्टडीज़ के लिए कैसे आपको पढ़ना है, स्ट्रेटेजी ऑप्शनल की क्या होनी चाहिए, और ये पूरी देखिए मित्रों आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। तो आप देखिए पूरी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसी के लिए हम आपसे मोटिवेशन चाहते हैं ताकि हम आपकी सेवाएं करते रहें। धन्यवाद।